नगर के रोड़ा सेक्टर में ऑडिटोरियम भवन में केंद्रीय मंत्री एवं सांसद हमीरपुर अनुराग सिंह ठाकुर के सहयोग से क्षेत्र के 24 दिव्यांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग लगाने के लिए शिविर का आयोजन किया गया। अनुराग ठाकुर अपने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सभी दिव्यांगजन जिनके हाथ या पैर नहीं है उनको कृत्रिम अंग निःशुल्क लगवाने का सहयोग दे रहे हैं। ये बात IPL चेयरमैन अरुण धूमल ने बिलासपुर में आयोजित कार्यक्रम में कही। उन्होंने दिव्यांगजन की हिम्मत बढ़ाते हुए निःशुल्क कृत्रिम अंग शिविर ज्योति प्रज्वलन से शुभारंभ किया। उल्लेखनीय है कि अनुराग ठाकुर के मार्गदर्शन में जो कृत्रिम अंग लगाए जा रहे हैं वे न्यूमैटिक सॉकेट पर आधारित है जिनकी कीमत लाखों में है। ये कृत्रिम अंग कार्बन फाइबर से तैयार किए जाते हैं यानी ये पहनने में अधिक हल्के और अधिक आरामदायक होने के साथ साथ मजबूत और टिकाऊ भी है। उनके लिए कृत्रिम अंग उपलब्ध कराने के लिए अनुराग ने प्रयास शुरू किया प्रयास संस्था के माध्यम से। उसका कार्यक्रम है ये कुछ हमारी पहले जो इससे स्टेज कार्यक्रम में भी जुड़ी हुई है उनके लिए स्विंग मशीन फ्री में उपलब्ध करवाने का ताकि उनके लिए रोजगार का कोई साधन हो सके उसको उपलब्ध करवाने का भी कार्यक्रम था। उसके लिए मैं आया हूँ और मुझे बड़ी खुशी है कि ये प्रयास अनुराग जी के द्वारा किए जा रहे हैं अपने संसदीय क्षेत्र में। और जैसा कि आपने देखा भी होगा पिछले दिनों राष्ट्रपति जी आए थे उन्होंने भी बहुत सराहना की थी जो कार्यक्रम अनुराग जी ने शुरू किए हैं अपने संसदीय क्षेत्र में, चाहे वो अस्पताल का हो, सांसद भारत दर्शन योजना हो, खेल महाकुंभ हो, एक से शेष कार्यक्रम हो, उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा उन सबकी की थी। वो मेरे लिए भी सौभाग्य का मौका है कि मैं आज आया हूँ बिलासपुर में, बिलासपुर की पावन धरती पर, और इन सब लोगों से आज मिलने का मौका भी मिला और इस कार्यक्रम से जुड़ने का। देखिए IPL जैसा कि आपको जैसा पता है कि इस बार जनरल इलेक्शन भी होने जा रहे हैं अप्रैल मई में और वही टाइम होता है जब हम IPL का आयोजन करवाते हैं, तो इसीलिए कुछ संशय की स्थिति है कि अप्रैल में कैसे उसका शेड्यूल घोषित किया जाए। इसी कारण से ये तय किया गया है कि पहले लगभग दो हफ्ते का शेड्यूल तय कर दिया जाएगा और जब इलेक्शन का शेड्यूल मार्च में आ जाएगा और हमें पता लग जाएगा कि अप्रैल और मई में किस जगह पे किस स्टेट में कब इलेक्शन होने जा रहा है उसके अकॉर्डिंगली बाद का शेड्यूल जारी किया जाएगा। ये तो क्रिकेट ग्राउंड में नेशनल गेम्स हो ही रही है और फिर रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, देवर ट्रॉफी, ये सारे मैचेज यहाँ आयोजित पहले भी किए जा चुके हैं। देखिए वुमेन IPL जैसे आपको पता पिछले साल ही शुरू किया गया था, पहली बार शुरुआत हुई थी तब सब मैच बॉम्बे में किए गए थे दो तीन स्टेडियम्स में। इस बार जैसे कि पाँच टीमें इस बार तय किया गया कि लगभग ज़्यादा नहीं तो दो सीरीज में उसको किया जाए, इसलिए तय किया BCCI के बेंगलोर और दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। और क्योंकि ज़्यादा गैप नहीं होता IPL और WPL में उन विकेट्स को IPL के लिए भी ताकि वो फ्रेश रहे विकेट्स उसको नज़रिए में रखते हुए दो जगह आयोजन किया जा रहा है। तो पहला उसका शुरुआत जो होगी वो बेंगलोर से होगी और उसके बाद उसका आयोजन दिल्ली में किया जाएगा। IPL हिमाचल में पहले तो आपको खुशी होनी चाहिए कि वर्ल्ड कप के पांच मैच मिले और अब टेस्ट मैच आयोजित होने जा रहा है। जैसा मैंने बताया हमारा कोशिश रही, पिछली बार भी 10 साल बाद IPL के मैच आयोजित किए गए थे धर्मशाला में, इस बार भी प्रयास रहेगा। लेकिन क्योंकि इस बार जनरल इलेक्शन भी है तो कई स्टेट सिलेक्शन में जाएंगी उसके कारण शेड्यूल प्रभावित होगा, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि ज़रूर मैचेस या IPL के धर्मशाला